सो हे गाइस, आज हम लोग फिर से आ गए एक नई रिएक्शन वीडियो लेके, जहाँ पे हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं एक दोबारा से DHH के आर्टिस्ट को। अब जैसे मैं बता दूँ भाई, आज हम लोग पैंथर भाई की पूरी एल्बम को तो खैर कवर में, मतलब जूक बॉक्स को मैं कवर करना चाहता हूँ, और मेरी फ़ोन में लेकिन इतनी स्टोरेज नहीं कि मैं सारी वीडियो एक साथ में रिकॉर्ड कर सकूँ, तो मैं अभी एक एक पार्ट में इनकी वीडियोज आएंगी। बट खैर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, और मैं काफ़ी दिन से चाहता था, मतलब जिस दिन ये रिलीज़ हुई थी मैं तब से चाह रहा था कि मैं इस पर रिएक्ट करूँ, इसके गाने सुनूँ, लेकिन मैं चाह कर भी इसके गाने नहीं सुन पा रहा था क्योंकि मुझे रिएक्ट करना था, और इस वजह से ना मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करी, ना मैंने कुछ करा, और जो दो तीन दिन से जो आफत फंसी ना मेरे साथ में भाई से, मैं बिल्कुल से मौका नहीं मिल रहा कि मैं कुछ भी रिएक्ट कर लूँ या फिर कुछ भी मैं ऐसा बना लूँ। और एक और बात भाई, देखो पैंथर भाई का गाना मैं इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि देखो पैंथर को बाकी लोग शायद बाद में देखे होंगे, मतलब लाइक क्या कहते हैं हसल के बाद में, लेकिन मैं लखनऊ से हूँ और मेरे कई सारे जानने वाले भी लखनऊ से हैं, और सब लोग मतलब लाइक मैं पर्सनली तो खैर नहीं कभी मिला हूँ, और ना ही मेरी बात भी, मतलब वही मैंने स्टोरी शेयर करी, थैंक्स भाई ये भाई दैट्स इट, उसके ऊपर कुछ नहीं। लेकिन मैं इकलौता ऐसा आर्टिस्ट है जिसको मैं बहुत पहले से फॉलो करते आ रहा हूँ, जब इनका लूप सॉन्ग आया था ना, मैं तब से इनको लाइक क्या कहते हैं सुन रहा हूँ, और लूप सॉन्ग से भाई साहब मैं इनका फ़ैन हो गया था यार, कि भाई क्या गाना है और क्या भाई, मतलब एक अलग ही लेवल था। तो खैर और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ मैं, जल्दी से क्या कहते हैं, मैं मतलब पहला इंट्रो है ना तो इसलिए थोड़ा सा लंबा दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं तुम लोग को और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले गाने का, जिसका नाम है ऐसी जगह से, और मुझे पक्का लग रहा है भाई लखनऊ या फिर क्या कहते हैं जो इनका जिला था पहले गाँव वाला, मैं गारंटी देके कह सकता हूँ, पर चेक कर लूँ वीडियो बन रही कि नहीं, वीडियो बन रही है। तो मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पे लाइक लखनऊ की या फिर अपने यूपी की जहाँ से मतलब ये बिलोंग करते हैं वहाँ से, मतलब वहाँ की बात हो रही है, क्योंकि ऐसी जगह से उठना खैर मैं बहुत रिलेट करने वाला हूँ अगर जगह की बात हो रही है तो। और ज़्यादा टाइम मेरे वेस्ट नहीं कर रहा, मेरे हाथ लिटरली कहाँ पर है भाई साहब, स्टार्ट करता हूँ आज की इस वीडियो को। एक सेकंड मैं वो चेक कर लूँ, देखा रिकॉर्डर मेरा ऑन नहीं था, क्या बात है सर। मैंने सारी सेटिंग्स पूरी कर ली हैं, अब हम लोग फिर से फटाक से स्टार्ट करते हैं। तेरा भाई पैंथर मैंने कहा था चले मेटर पीडी होता, क्या बीफ नहीं होती स्क्वाश, असल लाइफ और कैमरे पे हर जगह एक ही अवतार, चाटी नहीं जाती अपन से तो सीन में देते नहीं प्यार, आगे मैं भाई नहीं बोलता पीछे झुका ली तू चार। सही बात है, ऐसी जगह से वहां जाना नहीं चाहोगे तुम, बोलो ना सच तक ये गाना नहीं गाओगे तुम, मौके पे करता नहीं याद बहाना बनाओगे तुम, बोलो ना सच इतना कड़वा ये गाना नहीं गाओगे तुम, रब से मैं ना मांगू ज्यादा बस दे दे मेहनत का ही फल, सही बात भाई, तो शोहरत नहीं बस पापा बोले बेटे है सफल, गाँव के लौंडो की उम्मीदों पे कायम हो जाए बस, दिखाना है दुनिया को हौसले से कुछ भी सकते हैं कर, टूटी रोड है झूठे लोग जगह छोटी उससे ज्यादा छोटी सोच, जहाँ गांवों में औरतें रोती रोज, फेमिनिस्ट नया पर होती दोस्त, सही फेमिनिस्ट नया होती दोस्त, पाएंगे धोती खोल यहाँ गुत्ती पीछे जल्दी छोटी गोल्ड आशिकी करते जैसे हो रोमियो, अबे यहाँ पे दिक्कतें होती पर कोई नहीं साला है सुनने वाला, खाने को काटेंगे हाथ अगर तू देने वाला भाई, दूसरा दोस्त गरीब उनके खाते रहे कुछ करके दिखाना, जाना नहीं चाहोगे तुम, बोलो ना सच तक ये गाना नहीं गाओगे तुम, मौके पे करता नहीं याद बहाना बनाओगे तुम, बोलो ना सच इतना कड़वा ये गाना नहीं गाओगे तुम, आया हूँ ऐसी जगह से बजाना नहीं चाहोगे तुम, बोलो ना सच इतना कड़वा ये गाना नहीं गाओगे तुम, मौके पे करता नहीं याद बहाना बनाओगे तुम, अच्छा है, बोलो ना सच इतना कड़वा ये गाना नहीं गाओगे तुम, देखा है बचपन से देखो जवानी में एंडिंग नहीं हैप्पी होती इस कहानी में, ना ही मैं राजा हूँ ना मेरी रानी है, पन्ना है जादू और कलम है रानी, तो बड़े से घर में था पला बढ़ानी में छोटे हम लोग हैं, मैं जींस पुरानी के नया बता दूं, मैं साधना करता सुरों का हूँ साधु, मैं उसका कसूर तो सभी उगा ही हूँ, लौंडे जब करते हेट मैं उबासी हूँ, यारी मैं देखता पर दिल से न गाली दू, जीत पे पैक लड़ा भाइयों को ताली दू, जेबों से खाली हूँ पन्नों पे गाली बू, डूबेगा गानों में गानों का साहिल हूँ, अंग्रेजी जो दुनी भले ना चाहिए लू, गैंगस्टर भाई मैं बेटा का कातिल हूँ,
फटे यहाँ सर, चले ना ठंडे की बोट पर पावे यहाँ पे। एंजाइटी से ज्यादा पैसे की दिक्कत पर होते तमाशे यहाँ पे। हर लौंडे की अलग है हसल, घर वालों के मिलते हैं ताने यहाँ पे। घर की तेरा भाई आया है बताने यहाँ पे। आया हूँ ऐसी जगह से, वहाँ जाना नहीं चाहोगे तुम। बोलो ना सच तकड़वा ये गाना नहीं गाओगे तुम। मौके पे करता नहीं याद, बहाना बनाओगे तुम। बोलो ना सच इतना कड़वा ये गाना नहीं गाओगे तुम। आया हूँ ऐसी जगह से, वहाँ जाना नहीं चाहोगे तुम। बोलो ना सच इतना कड़वा ये गाना नहीं गाओगे तुम। मौके पे करता नहीं याद, बहाना बनाओगे तुम। बोलो ना सच इतना कड़वा ये गाना नहीं गाओगे तुम। तेरा भाई खत्म। यस वी नो। हाँ जी, तो भैया गाने की अगर मैं बात करूँ तो गाना है लेजिट अस मोमेंट पे। मैं कह रहा है भाई इस गाने को मैं सीधे बोल रहे अस सॉन्ग है, और ऐसी जगह से। तो देखो मैं मतलब जिसमें यहाँ पे हसल की बात करी गई है कि हाँ भाई किस तरीके की हसल करते हैं, और गोमती के नीचे वहाँ पे सुट्टा वगैरह, यार ये सारी चीज़ें बाकी को बाहर वालों को रेफरेंसेस नहीं समझ में आने वाले। जो यहाँ के हैं जिनको पता है कि क्या है, और खासकर जो लोकल्स के हैं उनको आइडिया होगा यहाँ पे किस बारे में बात हो रही थी। और क्या कहते हैं, जो दोस्त इतने गरीब हैं कि उनके लिए कुछ करके दिखाना है, भाई मैं वैसी लाइंस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ भाई मेरे कई सारे फ्रेंड्स को मेरे को काफ़ी सारी उम्मीद है, तो भाई मुझे उनके लिए भी कह सकते हो करके दिखाना है, खुद के लिए भी। तो कह सकते हो हर लड़का रिलेट करेगा, ऐसी चीज़ ही लिखी है। और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं था कि हाँ भाई मतलब किसी को समझ में ना आया फिर कैसी चीज़ बोल दी है, काफ़ी सही लाइन्स थी, काफ़ी मतलब कह सकते हो यू नो एकदम रिलेट करने वाली लाइन्स थी, और गाना काफ़ी सही था। तो मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो वीडियो में आज की करता हूँ यहीं पर एंड। मैं जल्दी से इसको अपने पीसी पर ट्रांसफर करता हूँ, उसके बाद में रिकॉर्ड करता हूँ दूसरी वीडियो जो कि अगले सॉन्ग की है। सो मिलते हैं हम लोग तब तक किसी और वीडियो में, मतलब अगली वीडियो में, बस कल ही आएगी यार, तुम चिंता क्या करो। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो, तब तक टाटा।